विकास खंड के ग्राम सभा रामपुर में चुनाव के पूर्व प्रधान पद के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के कारण स्थगित किए गए पंचायत चुनाव को 9 मई को संपन्न कराया गया, जिसकी मतगणना मंगलवार को खोराबार विकास खंड पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराई गई। मतगणना में लाल बचन निषाद ने अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देते हुए 163 मतों से जीत हासिल की। आपको बता दें कि विकास खंड खोराबार पर मंगलवार को करीब 8 बजे से मतगणना शुरू हुई, जिसमें कुल पड़े 2575 मतों की गिनती की गई, जिसमें लाल बचन निषाद ने 163 मतों से जीत हासिल किया, जिसका प्रमाण पत्र खोराबार के आरओ रवि कुमार शर्मा ने विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र सौंपा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित ग्राम प्रधान लाल बचन निषाद तथा खोराबार के आरओ रवि कुमार शर्मा ने कहा, आइए चुनाव जीत गए बने के 130 मैं रवि कुमार शर्मा, आरओ खोराबार। आज BDC वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 के पदों के लिए गणना थी। वार्ड नंबर 9 में 31-32 हमारे बहुत क्लियर थे, 33 में उनके जो वार्ड क्रमांक हैं 12-13 नंबर और 10 नंबर बूथ के 14-15 वार्ड के वो चार चार प्रत्याशी थे, जिनके वजह से पिछले चुनाव में आइडेंटिफाई नहीं हो पाए मतपत्र, इस वजह से रीपोलिंग करा के और उनको कराया गया। आज तो 9 और 10 हमारे क्लियर हो चुके हैं। और प्रधान में ये रामपुर रा का चुनाव था, जिसमें कौन जीता, लाल बचन जो है जिनका चुनाव चिन्ह घंटी है वो विजयी घोषित हुए। प्रत्याशी के लिए कहें कि अगला अपने क्षेत्र में जाएं, काम करें, अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि अग्नि चुनाव में क्या नाम है लोग उनके काम को देखते हुए उनको फिर से विजयी घोषित कराएं। लाल बचन निषाद 163 वोट से इसको हराया, पूर्व प्रधान मीरा देवी को 163 वोट से। मीरा देवी कितना वोट पाएंगे अभी तो कैलकुलेट हो रहा है। आप जीत गए तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपके लिए? हमारा प्राथमिकता यही है कि सबका साथ सबका विकास। गांव के विकास के लिए क्या क्या करेंगे? गांव के विकास के लिए शिक्षा, नाली, सड़क, आवास, शौचालय, हर गरीब परिवार का मदद करना हमारा मेन लक्ष्य है। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को कितना दिलवाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएंगे।